हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केएफसी बिग बैश लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में गोल्ड कोस्ट के मेट्रिकॉन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 4 जनवरी को दोपहर के 1:45 पर। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी 6 के ऊपर। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बिग बैश के बारे में सारी खबरें मिलती रहें, कब किस प्लेयर को कोविड हो रहा है, कौन सा मैच होगा, कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, साथ ही में आपको बिग बैश के मुकाबले और इंटरनेशनल मुकाबलों की फैंटेसी टीम भी मिले, आपको जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और मेरे को ज्वाइन करना है टेलीग्राम के ऊपर। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हो कि आपको टॉस के बाद बिग बैश के मुकाबले और सुपर स्मैश के मुकाबलों का मैच प्रेडिक्शन मिले, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो स्पोर्ट्स कॉप प्रीमियम के ऊपर। इसके लिए आपको महीने के केवल 150 रुपए देने होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों के ऊपर मेरे को टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वैसे तो ये पिच काफ़ी डिसेंट है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन कुछ मुकाबलों में देखा है हमने कि दूसरी पारी में थोड़ी स्लो होती है ये पिच, इस वजह से टीमें जनरली यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रिस्बेन हीट की टीम के बारे में, जो कि अपने 8 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है। और टीम ने पिछले मुकाबले के अंदर होबार्ट हरिकेन्स की स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था। इस टीम की दिक्कत है इसके बल्लेबाजी, और इस टीम का स्ट्रॉन्ग पार्ट है इनकी गेंदबाजी। अब तो इनकी गेंदबाज इतना अच्छा कर रहे हैं कि टीम ने पिछले मुकाबले में केवल 5 बल्लेबाज खिलाए और 6 गेंदबाजों को खिलाया। जेवियर बार्टलेट इस टीम के लिए 11 विकेट निकाल चुके, साथ ही में उनको बल्लेबाजी अंदर भी 110 रन मिले हैं। तो बार्टलेट ने गेंदबाजी से भी इंप्रेस किया है और बल्लेबाजी से भी इंप्रूव किया है। जेम्स बेजली इस टीम के लिए 11 विकेट निकाल चुके हैं, साथ ही में पिछले मुकाबले में उन्होंने बैटिंग के अंदर भी एक बहुत ही कमाल का कैमियो खेला। तो वापस से जेम्स बेजली के ऊपर भी निगाह रहने वाली है। मुजीबुर रहमान ने भी पिछले मुकाबले में काफी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले। मुजीबुर रहमान एक बहुत ही तगड़े स्पिनर हैं। और मार्क्स टिकेटी भी इस टीम के लिए 10 विकेट निकाल चुके हैं, उनकी गेंदबाजी पिछले साल भी काफी शानदार थी। तो ब्रिस्बेन हीट के सारे गेंदबाज काफी कमाल विकेट टेकर है, साथ ही के अंदर वो बल्लेबाजी के अंदर भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रिस्बेन की टीम के लिए। लेकिन बाकी सारे बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। सैम हिजलेट इस टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन उनके अलावा बेन डकेट और क्रिस लिन जो है, दो काफी बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। काफी अग्रेसिव प्लेयर, देखते हैं उस मुकाबले में कैसा खेलेंगे, पर इनकी बल्लेबाजी टीम की दिक्कत रही है। लेकिन जिस तरह के इनके गेंदबाज खेल रहे हैं वो काफी कमाल बात है इस टीम के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं क्रिस लिन और जिमी पियर्सन, नंबर 3 पे बेन डकेट, नंबर 4 पे सैम हिजलेट, नंबर 5 पे मैक्स ब्रायंट, नंबर 6 पे जेवियर बार्टलेट, नंबर 7 पे जैक विल्डरमोट, फिर आपके आते हैं जेम्स बेजली, मार्क्स टिकेटी, मैथ्यू कुनामेर, मुजीबुर रहमान। तो जरूर से लगातार टीम 2 मुकाबले जीतना चाहेगी। गेंदबाजी काफी अच्छी है इस टीम की, हालांकि टीम को बल्लेबाजी में ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं सिडनी सिक्सर्स के बारे में, जो कि अपने 8 में से 6 मुकाबले जीत चुकी है। टीम का पिछला मुकाबला बारिश की वजह से अबेंडन हो गया था। टीम काफी अनलकी मानी खुद को उस मुकाबले में, क्योंकि रेनेगेड्स से काफी कमजोर टीम थी और टीम को उस मुकाबले में जीत मिल सकती थी। इस टीम के लिए शॉन एबर्ट काफी कमाल प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी के अंदर 12 विकेट निकाल चुके हैं, साथ ही के अंदर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो भी काफी कमाल बात रही है इस टीम के लिए। हेडन केयर ने भी 11 विकेट निकाले टीम के लिए, एक युवा तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म पेसर है, साथ ही के अंदर वो भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्टीव की भी फिट हो चुके हैं टीम के लिए, एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और इस पिच पर उनको हेल्प भी मिलने वाली है। उनके अलावा टीम में बेन वॉर्शियस हैं, शदाब खान है, डेनियल क्रिश्चियन है, तो इस टीम के पास भी कुछ काफी अच्छे गेंदबाज हैं जो कि फॉर्म के अंदर भी चल रहे हैं। बल्लेबाजी में जॉश फिलिपे हो गए, मोजेस ऑनरिक्स हो गए, जेम्स विंस हो गए, डेनियल ह्यूज हो गए, इन 4 प्लेयर
टॉप चार में काफी तगड़ा प्रदर्शन किया है, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं वो इस टीम के लिए। पिछले 2-3 साल से यही टॉप चार है इस टीम का और उन्होंने हर साल काफी कमाल का प्रदर्शन भी किया है इस टीम के लिए। फिर जॉर्डन सिल्क इस टीम के अंदर, डेनिल क्रिश्चियन इस टीम के अंदर है, तो इनके सारे के सारे बल्लेबाज काफी शानदार है और काफी टेक्निकली स्टेबल प्लेयर भी है सिडनी के पास में। इस वजह से सिडनी इस साल काफी शानदार खेल रही है, टीम लगातार तीसरा खिताब जीतने की कोशिश करी इस साल के अंदर। तो बल्लेबाज भी काफी शानदार है, गेंदबाज भी काफी शानदार है, सिडनी के पास एक बहुत ही बैलेंस टीम है और मुझे लगता नहीं ये टीम कोई बदलाव करेगा क्योंकि इनके सारे प्लेयर बहुत ही तगड़े फॉर्म में मेरे को लगते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं सिक्सर्स की 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं जॉर्ज फिलिपी और जेम्स विंस, नंबर 3 पे मोसेस ऑनरिक्स, नंबर 4 पे डेनियल ह्यूज, नंबर 5 पे जॉर्डन सिल्क, नंबर 6 पे डेनियल क्रिश्चियन, नंबर 7 पे शदाब खान, फिर शॉन एबर्ट, हेडन केयर, स्टीव ओकीफ और बेन वॉशिस। जरूर से एक बहुत ही तगड़ी टीम है सिडनी के पास भी और ये टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी सिडनी, वो टीम होगी ब्रिस्बेन, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स मुझे लगती है, उनकी बैटिंग भी काफ़ी शानदार है, बॉलिंग भी काफ़ी शानदार है और ये टीम फील्डिंग भी काफ़ी शानदार करती है। हालांकि क्वींसलैंड का ये होम मुकाबला है और क्रिकेट के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।